हाय गाइस, हाँ ये सच है कि मैं बिग बॉस के घर में जा रही हूँ. पिछले कुछ दिनों से ऑल माय फ्रेंड्स, ऑल माय फैंस बहुत मैसेजेस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि एम आई गोइंग इनसाइड और नॉट. बट ऑब्वियसली बिग बॉस के घर के कुछ रूल्स होते हैं एंड यू कैन नॉट रिवील इफ़ यू आर गोइंग इनसाइड और नॉट. लेकिन अब तक आपको ये पता चल गया होगा. सो येस, इट्स फॉर रियल. एंड ये जर्नी ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत डिफिकल्ट होने वाली है क्योंकि बिग बॉस के घर में सयाने से सयाना इंसान भी पागल हो जाता है. सो मुझे लगता है इस जर्नी में मुझे सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है. जो मेरे फैंस पहले से हैं उनकी उनके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है. जो इस बिग बॉस के दरमियान जो मेरे नए फैंस बनेंगे उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट मी. हेलो गाइस, आप लोग ये मेरा वीडियो मैसेज देख रहे हैं इसका मतलब कि मैं ऑलरेडी बिग बॉस के घर में हूँ और आप लोग ने मुझे शायद वहाँ पर भी देख लिया होगा. ये बहुत जद्दोजहद के बाद माय वाइफ टीजे एंड मी हैव कम टू दिस कंक्लूजन कि मैं बिग बॉस करूँगा. और आई थिंक बिग बॉस एक ऐसा शो है, शो नहीं है एक्चुअली, बिग बॉस एक तपस्या है, एक तप है. जो इस तप से उभर के आएगा उन्हें भगवान प्राप्त होंगे और मेरे लिए मेरी ऑडियंस जो है वही भगवान है. सो भूल चूक माफ, अगर कुछ गलत किया, कुछ ऐसा आपको लगा है, आई एम वेरी सॉरी बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी बट आई नीड योर सपोर्ट. Guys, so this is me, Shoaib Ibrahim. This is me, Deepika Kakkar Ibrahim. So, हम ये वीडियो बना रहे हैं बहुत खास, किस चीज के लिए? So finally, मैं जा रही हूँ इन्हें छोड़. कहाँ? So guys, आप लोग बहुत समय से इस कश्मकश में रहे हैं, अब तो आप ये एपिसोड देख भी चुके होंगे. तो फाइनली मैं बिग बॉस 12 में जा रही हूँ, जिसका एपिसोड आपने आज देखा होगा एंड आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आया होगा. एंड बस और मैं क्या बोलूँ आपको, मेरी नोज आज भी रेड दिख रही होगी. हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है मेरे लिए और खासकर इसके लिए, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इतने ज़्यादा समय के लिए हम लोग कभी अलग रहे हैं बिना देखे, बिना फ़ोन में कॉन्टेक्ट किए हुए. तो गाइस, बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से आप हमें अब तक प्यार देते आए हैं, तो बस अब आप सबकी जिम्मेदारी है कि इसको उतना प्यार देना है घर के अंदर और बाहर मुझे सपोर्ट करना है, ताकि मैं इसको वो स्ट्रेंथ दे सकूं बाहर से आप सबके साथ में मिलके. तो गाइस, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि आप सबके प्यार के बिना हम कुछ भी नहीं है. एक जवाब मुझे देना है जो आप लोग की मन में क्वेश्चन जरूर आएगा कि क्यों क्यों, अगर इतना है तो क्यों. तो उसका जवाब ये है कि आपके रिलेशंस आपकी स्ट्रेंथ होते हैं एंड लाइफ में आप काम करना कभी नहीं रोकते, और ये हमारा काम है और मैं काम करने जा रही हूँ. बहुत डिफिकल्ट काम है मेरे लिए बट मैं करने जा रही हूँ. सो प्लीज सपोर्ट मी. यस प्लीज प्लीज गाइस, जिस तरह से आप सब हमें अब तक प्यार देते आए हैं, तो अब इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस प्यार की, इसको. और यस yes, अंदर तुम हमें डिसअपॉइंट नहीं करोगी, बाहर हम तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे. थैंक यू गाइस. Five things people don't know about me. I think I'm a good singer, so yeah, one would be that.
दूसरा ये होगा दैट आई एम अ गुड फुटबॉल प्लेयर. Yes, I play good football. And third one is I had braces as a child. When I was in school, मुझे braces थे जो बहुत लोगों को पता नहीं है. And third हो गया. Fourth, I don't like traveling in the car. Like बहुत लंबा लंबा, like I like long drives and all. But दो तीन घंटे से ऊपर आई कान ट्रैवल इन द कार, मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ. एंड फिफ्थ वुड बी आई एम अ शॉपहॉलिक. एक्चुअली एवरी गर्ल लाइक्स टू शॉप, बट आई कैन इवन से दैट आई डोंट लाइक रीडिंग बुक्स, बट आई वॉन्ट टू डेवलप अ हैबिट, मुझे रीड करना स्टार्ट करना है. सो दोनों में से कुछ भी, इधर आई एम अ शॉपहॉलिक या मुझे बुक्स पढ़ना पसंद नहीं. या दैट्स इट. I found peace in the dark of night. Tabletops counting eyes in the early hours. Stone cold inside. Banging drops, dancers, never needing answers. We wander all alone, but we can't fight. The street lights go. We wander all alone, but we can't deny. We are the street light people. Drops, dancers, never needing answers. We wander all alone.
chasing whatever kills. The next jury to enter the Bigg Boss 12 house is a fan and a celebrities jury. Deepak Thakur was a farmer's son, but he got a break in Bollywood overnight. Anurag Kashyap was the one to get Deepak to Bollywood. He sang for Gangs of Wasipur. And Urvashi is from Bihar's capital, Patna. She is in mad love with Deepak's voice. Initially, she sent a friend request to Deepak and Deepak accepted it. Then the two started to talk to each other. Then finally, they met each other at Patna Zoo. The two started to like each other. Urvashi wanted to learn music from Deepak and Deepak was a keen teacher. Well, the Bigg Boss house has got another teacher-student jury, that too in singing, and slowly and steadily, Urvashi is falling in for Deepak and she's looking for an opportunity to tell Deepak that she started to love him. The two are simple but very, very sweet. So this is the new fan and celebrity jury. The two entered the house by singing Jab Koi Baat Bigar Jaye To Tum Dena Saath Mera. The two are here to give each other support. Let's see whether the Sajna in nainan mein ohe daak mainu na main dekhu gad ko sajna na tumhe dekhan ke sariya आशीष मिश्रा और मैं इंदौर से हूँ. मैं एक एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन हूँ. मेरे कॉल स्टोरेजेस, वेयर हाउसेस, फार्म, गैस एजेंसीज, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस. रिसेंटली लॉन्च मेरी खुद की न्यूट्रिशन लेबल है और मैं बहुत आउटगोइंग फन लविंग पर्सन हूँ. मुझे आउटडोर्स पसंद है और मैं जैसा हूँ मैं वैसा रहता हूँ. कुछ बनने की कोशिश करता नहीं हूँ. तो मुझे जो चाहिए मुझे ऑलरेडी हासिल कर लिया है. मैंने खुद मिला हुआ है कोई चीज. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out. Nine,